गाइस, तो आज का व्लॉग होता है यहीं से शुरू। और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाकर करें चैनल को सब्सक्राइब, ताकि आने वाली हर नई वीडियो आपको मिल सके। और आज जो है मैं उठ गई हूँ, नाश्ता वगैरह हो गया। अभी मैंने चढ़ाए हुए हैं काले छोले, और वो मैं बनाऊँगी आज, चाट सी बनाऊँगी छोलों की। एक तरफ आलू बन रहे हैं, एक तरफ छोले बन रहे हैं। मासी नहीं आई है, वो आएगी अभी, आधी सफाई हुई भी है, थोड़ा सा काम है वो करना है। फिर हो सकता है पार्लर जाऊँ, हो सकता है ना अभी जाऊँ। कल भी नहीं जा सकी थी, कल मार्केट चली गई थी। तो आज का व्लॉग यहीं से शुरू होता है, मिलेंगे थोड़ी देर में। काले छोले हैं, इसको मैंने तेल, थोड़ा सा तेल डाल के काले छोले उसमें डाले थे, और लहसुन और ज़ीरा पीस के या कूट लें माम दस्ते में और उसमें डाल दें। उसका पानी था, तो पानी खुशक करने के लिए तेज़ आंच पे भी रखा है। यहाँ मेरी अम्मी की रेसिपी के छोले हैं जो हम लोग रमज़ान में खाते थे, उस टाइप के। और ये मैंने यहाँ टमाटर जो है वो काट दिए हैं, हरी मिर्चें काट दी हैं, प्याज रह गई है, प्याज काटूँगी और थोड़ी सी कैबेज काटूँगी। ये सारी चीज़ें जो हैं हमने ऊपर से डालनी होती हैं छोलों के अंदर। चलिए, ये तो मज़ेदार छोलों की चाट तैयार है। बस सिर्फ आलू मैंने उबाल के ऊपर से डालने हैं इसके अंदर, और सारी चीज़ें मैंने ऊपर से गार्निशिंग करी हैं। अब सिर्फ आलू डालूंगी। नहीं जी, 3:30 हो रहे हैं और रोमानी टिफिन जा रही है अभी। वेदर चेक करें, धूप निकल आई है। ऑफिस देख के जाना। चलें जी, तो अभी निकले हैं बाहर, 9:30 हो रहे हैं और रुमान ने खाना नहीं खाया, तो हो सकता है अभी कहीं जाएं खाने के लिए। ठीक है, अभी ले जाओ। रुक जाओ, रुक जाओ। चलें, ये तो KFC आए हैं, रोमान को बर्गर लेना था बस। चलें जी, तो हम लोग जा रहे हैं वापस घर, और आज का व्लॉग यहीं होता है ख़त्म। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयरिंग करें, कमेंट्स करें। मिलेंगे कल के व्लॉग में। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।